पहले खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा की। जी हां, आपको बता दें पोलैंड के वारसा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनवरी 2025 में पोलैंड यूरोपीय संघ की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। मुझे विश्वास है आपका समर्थन भारत और यूरोपीय संघ के बीच संबंधों को मजबूत करेगा। पीएम ने यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि किसी भी संकट में निर्दोष लोगों की जान जाना पूरी मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। हम शीघ्र बहाली के लिए बातचीत और कूटनीति का समर्थन करते हैं। शांति और स्थिरता के लिए भारत अपने मित्र देशों के साथ मिलकर हर संभव सहयोग करने को तैयार है। जनवरी 2025 में पोलैंड यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षता संभालेगा। मुझे विश्वास है कि आपके सहयोग से भारत और ईयू के संबंधों को बल मिलेगा। फ्रेंड, यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष हम सभी के लिए गहरी चिंता का विषय है। भारत का यह दृढ़ विश्वास है कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता। किसी भी संकट में मासूम लोगों की जान की हानि पूरी मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। हम शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का समर्थन करते हैं। इसके लिए भारत अपने मित्र देशों के साथ मिलकर हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। फ्रेंड्स, पोलैंड में इंडोलॉजी और संस्कृत का बहुत पुराना और समृद्ध ट्रेडिशन रहा है। भारतीय सभ्यता और भाषाओं में गहरी रुचि से हमारे संबंधों की मजबूत नींव रखी गई है। हमारे गहरे पीपल टू पीपल टाइज का एक प्रत्यक्ष और जीवंत उदाहरण कल मैंने देखा इंडियन पोस्ट के डोगरे महाराजा और कोल्हापुर के महाराज की याद में बनाए गए मॉन्यूमेंट्स पर मुझे श्रद्धांजलि देने का सौभाग्य मिला। मुझे खुशी है कि आज भी पोलैंड के लोग उनके परोपकार और उदारता का सम्मान करते हैं। उनकी स्मृति को अमर करने के लिए हम भारत और पोलैंड के बीच जाम साहब ऑफ नवानगर यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। हर वर्ष पोलैंड के 20 युवाओं को भारत यात्रा पर लेकर जाया जाएगा। फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर प्रधानमंत्री टुस्क और उनकी मित्रता के लिए हृदय से आभार प्रकट करता हूं और हमारे संबंधों को नए स्तर पर ले जाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।